पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों पर बड़ा बयान दिया है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये एक सेंसिटिव इशू है और हम एक रिस्पॉन्सिबल सरकार है। इस पूरे विषय को लेकर पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने विस्तृत जानकारी दी है कि किस प्रकार जीएसटी में अगर हम पेट्रोल को लाते हैं तो उससे भी रेट कम होंगे, किस प्रकार राज्यों से भी अपील किया गया है वैट के टैक्स को कम करने के लिए, और इस पर सरकार एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी कि आगे चलकर इस प्रकार की दिक्कत ना आए इस पर चिंतन करना, किन कारणों से प्राइस बढ़ा है। इंटरनेशनल क्रूड प्राइस के विषय में भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला था, किस प्रकार इराक को लेकर भी उन्होंने अपने विषय को जिक्र किया था, रुपी और डॉलर के संबंध को लेकर भी उस विषय में बताया था। तो स्वाभाविक रूप से सरकार, द गवर्नमेंट इज सीज्ड ऑफ ऑल दिस, एंड एज द पेट्रोलियम मिनिस्टर हैड हिमसेल्फ सेड दैट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इज बीइंग लुक्ड आफ्टर। आई एम श्योर बताते चले आपको, हाल ही में फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर मोदी सरकार की जमकर आलोचना की जा रही है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।